दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपके दिमाग को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देगी। कहानी के एंड में आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है, और कई सवाल आपके दिमाग में घूमने लगेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखकर मजा आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक किरदार को देखते हैं जो कि एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है। वो और उसकी फैमिली केरला में रहती है और जेम्स एक सिनेमा हॉल में काम करता है। आज वो अपनी फैमिली और अपने विलेज के बाकी सभी लोगों के साथ तमिलनाडु के दूसरे चर्चेस को घूमकर केरला वापस आ रहा था। तभी रास्ते में उनकी बस एक ढाबे पर रुक जाती है। वहाँ पर जेम्स अपनी पत्नी बेटे के साथ खाना खा रहा था, लेकिन खाना खाते वक्त जेम्स काफी इरिटेट होने लगता है। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि जेम्स केरला से बिलोंग करता था, उसे केरला का ही कल्चर, खाना, ये सब कुछ बहुत पसंद था। ऐसे में जब वो तमिलनाडु का खाना खा रहा था तब वो खाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो अपने बेबी से कहने लगता है कि देखो कैसा खाना बनाया है, थोड़ा भी स्वाद नहीं है इसमें, और ऊपर से ये चाय कितनी मीठी है, इतनी मीठी चाय कौन पीता है भला, असली चाय का स्वाद तो हमारे केरला में है। अब ये सुनने के बाद उसकी बीबी उसे चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है, और उसके बाद सभी लोग वापस में उस बस में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद बस ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है और वो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। उस बस में तमिल मूवीज के सॉन्ग प्ले हो रहे थे, लेकिन उन्हें सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा इरिटेट होने लगता है। बाकी सभी लोग म्यूजिक को बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस म्यूजिक से भी बहुत परेशानी हो रही थी। अब जेम्स ड्राइवर के पास जाता है और उसे बोलता है, प्लीज ये तमिल सॉन्ग प्ले करना बंद करो, थोड़े मलयालम सॉन्ग भी चला दो। अब ड्राइवर उसकी बात मान लेता है और मलयालम सॉन्ग प्ले कर देता है। गाना सुनते हुए बस में सब लोग सो जाते हैं। इस तरह भरी दोपहर में बस आगे बढ़ रही थी और बस में मौजूद सभी लोग शांति से सो रहे थे। अब थोड़ा आगे जाने पर जेम्स की आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद वो ड्राइवर के पास जाता है और तुरंत उसे बस को रोकने के लिए कहता है, जहां पर चारों तरफ खेत ही खेत थे। बस के रुकते ही वो भी बस से उतर जाता है और वो खेत के बीच से होते हुए एक छोटे से गांव की तरफ जाने लगता है। यहां गांव के कुछ गलियों से होते हुए वो सीधा एक घर के अंदर चला जाता है। अब उस अनजान घर में जाते ही सबसे पहले वो एक गाय को चारा देता है, फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करके उस घर के अंदर एंटर करता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जिनकी आंखों का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। जेम्स उस बूढ़ी औरत से तमिल भाषा में बात करने लगता है और उसे माँ कहकर पुकारता है। जेम्स कहता है कि माँ, तुमने ये काला चश्मा क्यों पहना हुआ है। वो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि बेटा, अभी अभी मेरा आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए डॉक्टर ने मुझे अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चश्मा दिया है। जेम्स ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो अंदर रूम में चला जाता है जहाँ पर एक औरत सोई हुई थी। वो औरत उसे देखती है और डर के मारे उठ जाती है। वो सोच रही थी कि ये अनजान आदमी अचानक से हमारे घर में कैसे आ गया, लेकिन जेम्स उस औरत को देखकर उसका नाम पुकारता है और कहता है कि कुनकुरली, क्या तुम अभी तक सो रही हो। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए खुद चाय बना लेता हूँ और तुम्हारे लिए भी बना दूंगा। वो अपना शर्ट बदलते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है। चाय बनाते वक्त वो देखता है कि किचन में कोई भी सामान नहीं है, सब राशन खत्म हो चुका है। ये देखकर वो कुनकुरली से कहने लगता है कि किचन का सारा सामान खत्म हो गया है और तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। उसके बाद तुरंत वो वहाँ से एक थैला उठाता है और राशन का सामान लेने के लिए घर से बाहर जा ही रहा था, तभी घर के दो मेंबर वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें जेम्स पहचान रहा था। वो उनसे कहता है कि मैं अभी जाकर बाजार से सामान लेकर आता हूँ। अब वो लोग जेम्स को बाइक ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि दोस्तों उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और हम सबको कैसे जानता है। मतलब दोस्तों, जेम्स अपने परिवार को उस बस में छोड़कर ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो वो इसी परिवार का हिस्सा हो, जबकि वहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचान रहा था। जेम्स बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है तो घर वालों को लगता है कि जरूर ये कोई चोर होगा जो बाइक लेकर भाग रहा है, इसलिए अब सभी लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स की जो एक्चुअली वाइफ और उसका बेटा था, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें जेम्स की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है। वो सभी लोग जेम्स को ढूंढते हुए उस गाँव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर जेम्स अपनी वाइफ और बेटे के सामने उसी बाइक पर बैठ कर ऐसे निकल जाता है जैसे कि वो उन दोनों को जानता ही नहीं हो, और वो दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस गांव वाले भी जेम्स की हरकत को देख रहे थे और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेम्स की पत्नी और वो गांव वाले सोचने लगते हैं कि ये आदमी इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। वहीं
उस घर में कुनकुरली को ऐसा फील होने लगता है कि जेम्स उसे जिस तरह से आवाज दे रहा था वैसे तो सिर्फ उसे उसका पति बुलाता था। दोस्तों उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है जेम्स की तरफ, जो कि गांव के एक खेत के अंदर चला जाता है और वो वहाँ की फसल चेक करने लगता है, जिसके बाद वो वापस विलेज के अंदर आने लगता है। वहाँ पर जेम्स के बस का एक आदमी वहाँ के गाँव के एक आदमी को लेकर जेम्स को ढूंढ रहा था, लेकिन जेम्स उसे कहीं भी नहीं मिलता। हम देखते हैं कि जेम्स एक मंदिर में आ जाता है। जेम्स एक क्रिश्चियन होने पर भी वो मंदिर में हाथ जोड़कर पूजा करता है। यहाँ से निकलकर जेम्स एक जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारे आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अब जेम्स भी इन लोगों के साथ बातचीत करने लगता है कि मानो वो इन सभी लोगों को पहले से ही जानता हो, लेकिन ये लोग तो जेम्स को पहचान ही नहीं रहे थे। वो लोग बहुत हैरान थे क्योंकि जेम्स वहाँ मौजूद सभी लोगों के नाम तक जानता था। अब जेम्स वहाँ से चाय पीने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो एक चाय ऑर्डर करता है और दोस्तों अब यहाँ हम नोटिस करते हैं कि थोड़ी देर पहले एक तमिलनाडु के होटल में मीठी चाय से इरिटेट होने वाला जेम्स वो खुद ही चाय में और ज्यादा शक्कर डालकर मजे से पी रहा था। अब चाय पीने के बाद जेम्स गांव के अंदर चला जाता है जहां पर गांव के कुछ लोग तमिल गाने पर डांस कर रहे थे, और दोस्तों ये वही गाने थे जो थोड़ी देर पहले बस में बज रहे थे, जिन्हें सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। लेकिन अब जेम्स उन्हीं गानों को सुनकर उनके साथ डांस करने लगता है। यहाँ गांव वाले मिलकर जेम्स को अभी भी ढूंढ रहे थे, और दूसरी तरफ कुनकुरली की बेटी स्कूल से घर आ जाती है। वो घर पर आने के बाद अपने दादाजी और माँ को बहुत डांटने लगती है। वो कहती है, एक अनजान आदमी हमारे घर पर आकर हमारे पापा की बाइक लेकर भाग गया और आप लोग बस देखते ही रह गए। आखिर आप लोग कर क्या रहे थे? आपने उसे रोका क्यों नहीं? यहाँ शाम होने पर जेम्स एक दारू के अड्डे पर चला जाता है। वहाँ पर वो काफी दारू पीता है और तमिल मूवी के सॉन्ग्स और डायलॉग भी बोलने लगता है। वहाँ पर वो नशे में फुल टल्ली हो गया था और डांस भी करने लगता है। दोस्तों उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद वो आज खुश हुआ है। अब रात होने पर वो राशन का सारा सामान लेकर घर वापस आ जाता है। घर पर आने के बाद वो बूढ़े आदमी से बोलता है कि मैं सारा सामान लेकर आ चुका हूँ, अगली बार सामान खत्म होने पर मुझे टाइम पर बता देना ताकि मैं राशन का सामान टाइम पर ले आ सकूँ। तभी वहाँ पर जेम्स के गांव वाले और उसकी पत्नी भी आ जाती है। उसकी पत्नी उसे कहने लगती है कि आप ये तमिल भाषा में क्यों बात कर रहे हैं और इस तरह का अजीब बर्ताव भी क्यों कर रहे हैं, जैसे कि आप हमें जानते ही नहीं हो। उसके बाद जेम्स के गांव वाले भी उसे बस में बैठकर केरला चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दोस्तों जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद यहाँ कुनकुरली के गांव वाले उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम सुबह से हमारे गांव में ऐसे घूम रहे हो जैसे कि तुम इसी गांव के रहने वाले हो, क्या तुम इस गांव में चोरी करने के इरादे से आए हो? अब ये सब कुछ सुनने के बाद जेम्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है, कौन कहता है कि मैं इस गांव का हिस्सा नहीं हूं? मैं कल्याण सुंदरम इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बड़ा हूं, और यही मेरे दादा परदादा भी जन्मे थे। अब अगर किसी ने मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब जेम्स का ऐसा बर्ताव देखकर जेम्स की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहाँ ये सब कुछ देखकर कुनकुरली की फैमिली भी शॉक थी, क्योंकि दोस्तों जिस कल्याण सुंदरम का नाम अभी अभी जेम्स ने लिया था वो और कोई नहीं बल्कि कुनकुरली का पति था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लगभग 2 साल पहले कल्याण सुंदरम इस गांव से किसी काम के लिए बाहर गया था, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आया। उसके गांव वालों ने कल्याण सुंदरम को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका उन्हें कोई भी पता नहीं चला। लेकिन आज अचानक जेम्स गांव में ऐसे एंटर करता है और वो ऐसे बर्ताव करने लगता है जैसे कि वो खुद कल्याण सुंदरम हो। वहाँ का एक ओल्ड आदमी जेम्स की वाइफ और उसके गांव वालों से कहता है, मुझे लगता है कि आप लोग जेम्स को आज की रात यहीं पर रुकने दे और सुबह होने का वेट करें, हो सकता है कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। जेम्स जो कि अब खुद को कल्याण सुंदरम बता रहा था, वो कल्याण सुंदरम की माँ के गोद में सर रख कर सो जाता है, और यहाँ सभी लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है तो जेम्स सबसे पहले उठता है और सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालता है, फिर वो उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों कोई भी उसका दूध नहीं खरीद रहा था, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि उनके यहाँ पर कोई और दूध बेचने के लिए आता है। अब ये सुनकर जेम्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि कल तक तो ये सभी लोग मुझसे ही दूध खरीद रहे थे, लेकिन आज इन लोगों को क्या हो गया। इसके बाद जेम्स पोस्ट ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। यहाँ गाँव में जेम्स की सिचुएशन को देख कर गांव वालों को समझ आ जाता है कि अब तक ये बंदा ठीक नहीं हुआ है। ऐसे में जेम्स के गांव वाले ये सजेस्ट करते हैं कि हम उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, तब हम उसे उठाकर बस में बिठा देंगे और अपने साथ केरला ले जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स पोस्ट ऑफिस पहुँच जाता है और अपने पैसे निकालने के लिए रिसीट फिल करता है। उस पोस्ट में बैठा हुआ अकाउंटेंट उसे कहता है,
तुम्हारे सिग्नेचर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो सुंदरम से मैच ही नहीं कर रहा। तुम सुंदरम नहीं हो, जेम्स उन्हें कहता है। क्या बात कर रहे हो चाचा, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ से पैसे लेकर गया था और आज आप मुझे पैसे देने से इनकार कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, अब जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो सोच रहा था कि कोई मुझे पहचान क्यों नहीं रहा है। अब वो गांव में जाने के लिए निकल जाता है, तभी वो वहां पर देखता है कि एक मंदिर बन रहा है। जेम्स सोचता है कि कल तक तो ये मंदिर यहां पर नहीं था, आज अचानक कहां से आ गया। अब बहुत ज्यादा परेशान होकर जेम्स अपने चेहरे पर हाथ रखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी है, इसीलिए अब वो दाढ़ी बनवाने के लिए एक सैलून में चला जाता है। वहां जाकर वो लड़के से कहता है, तुम्हारे चाचा को बुलाओ, मैं हमेशा उन्हीं से दाढ़ी बनवाता हूँ। ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, उनको मरे हुए तो 6 महीने बीत चुके हैं, ये देखो उनकी तस्वीर, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। उसके बाद दोस्तों जेम्स तस्वीर को देखता है तो उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस फोटो में जो तारीख लिखी थी वो 2011 थी, और वो सोचता है कि कल तो 2009 चल रहा था और आज अचानक 2011 कैसे हो गया। उसके बाद उसकी नज़र शीशे में पड़ती है और वो अपने चेहरे को देखकर चकरा जाता है। वो खुद को पहचाने नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा चेहरा भी बदल गया है, ये साल भी बदल चुका है और गांव के सभी लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों हम ये महसूस करते हैं कि जेम्स को पता चल चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वो अपने घर पर चला जाता है और सबके साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त वो रो रहा था और उसके बाद वो गुमसुम सा रहने लगता है, जैसा कि उसे किसी चीज का एहसास हो चुका है। अब वो अपनी माँ के पास बैठता है और उसे कहता है कि माँ, अपनी दवाई टाइम पर लेना बहुत जरूरी है, तभी तो तुम अच्छी तरह से देख पाओगी। उसकी माँ उसे कहती है, तू सही कह रहा है बेटा, गाँव वाले कह रहे थे कि मेरा बेटा वापस आ चुका है, मुझे तो बस तुम्हारा चेहरा देखना है, बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। अब ये सुनकर जेम्स की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, लेकिन मुझे कभी देख नहीं पाओगी। इतना कहकर वो उस घर से निकल जाता है। और दोस्तों हम देखते हैं कि जेम्स के जाने के बाद भी उसकी परछाई उस घर में ही दिख रही थी, यानी कि दोस्तों वो सुंदरम की आत्मा थी। अब वो घर से निकलने के बाद वहाँ पर सो जाता है। दोपहर का वक्त था और कुछ देर सोने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो जेम्स सुंदरम को भूल चुका था और वो देखता है कि ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद जेम्स अपनी पत्नी और बेटे को अपने गले से लगाता है और उन दोनों को और गांव वालों को भी समझ आ जाता है कि जेम्स अब ठीक हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जेम्स अपने परिवार और गांव वालों के साथ केरला जाने के लिए उस बस में बैठ जाता है और उनकी गाड़ी निकल पड़ती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि एक कुत्ता उनकी बस का पीछा करता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जेम्स के शरीर में सच में सुंदरम की आत्मा आई थी, या फिर जेम्स जब ड्राइवर को मलयालम गाने प्ले करने के लिए कहता है और सभी लोग सो जाते हैं और तब वो खुद भी सो गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे दोपहर का सपना आया हो और उस सपने में उसने ये सारी घटना देखी हो। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि दोस्तों दोपहर में हम जब सोते हैं तो हमें अजीब तरह के सपने आते हैं जो हम कुछ ही देर में भूल जाते हैं, तो ये घटना जेम्स का एक सपना भी हो सकती है या फिर सुंदरम की आत्मा भी उसके शरीर में आई हो सकती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कहानी देखकर आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल उमड़ उठे हैं, ये भी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।